हेलो गाइस, वेलकम टू आईडी सेंटर। दिस इज मोहम्मद, योर फेवरेट टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। जिंदगी जीने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। सो दोस्तों, यहां पे चाहे लड़की हो या लड़का हो या कुत्ता हो या पेड़ हो, सभी को जिंदगी जीने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। क्या है वो चार चीज, देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली है न्यूट्रिशन। खाना खाना जरूरी है, खाना नहीं खाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन। उसके अलावा नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। सांस लेना भी जरूरी है मेरे दोस्त, सांस लेंगे तो ही जी पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी ये अपने हाथ में नहीं है। खाना खाना जब मर्जी हो खाना खाएंगे, जब नहीं हो नहीं खाएंगे। सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक सांस लेते हैं, लेकिन अगर सांस रोकना है तो हमारे कंट्रोल में है। हम अपनी इच्छा से सांस कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारे बस में नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस बंद हो गया तो भी हम मर जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, मतलब टॉयलेट जाना भी जरूरी है दोस्तों। टॉयलेट नहीं जाएंगे तो भी हम कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। तो दोस्तों, ये चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और चारों के चार टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, वो है न्यूट्रिशन। दोस्तों, न्यूट्रिशन में दो अलग अलग कैटेगरी है हमारे पास। एक है ऑटोट्रॉप्स और दूसरे हैं हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। तो वन बाय वन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉप्स, यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, द ऑर्गेनिज्म दैट यूज सिंपल फूड मटीरियल। ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल फूड मटेरियल यूज करते हैं, सॉरी, दैट सिंथेसाइज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना खाना खुद ही बनाते हैं। सो इस कैटेगरी में जनरली प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आएंगे, बाकी सारे के सारे आएंगे दूसरी कैटेगरी में, दैट इज हेटरोट्रॉप्स। हम सभी लोग, जितने भी एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उनको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पूरे के पूरे नोट्स जो हैं वो रेडीमेड आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रेडीमेड नोट्स आप यूज़ मत कीजिएगा। डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में सारी की सारी चीज़ें एक बार लिखिए। लिखने से आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा और आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होगा? तो फोटोसिंथेसिस तीन अलग अलग स्टेप में होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नंबर वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, और उसके बाद में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन। हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है।
दोस्तों ये अगर क्वेश्चन आपको एक मार्क में अगर आए तो आप सिर्फ इसका डेफिनेशन लिख दो, इनफ है। अगर दो मार्क्स में आए तो डेफिनेशन के साथ में ये तीन पॉइंट्स लिखने आपके लिए ज़रूरी है, और अगर तीन मार्क्स में आए तो और भी आगे मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ, वो आपको लिखनी होगी। और साथ में अगर आप ये प्यारा सा फिगर बना दो, लेकिन अच्छा सा स्केच बनाना है, नीट एंड क्लीन लेबल स्केच बना दो, तो आपको यहाँ पर भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी केमिकल रिएक्शन, क्या रिएक्शन होती है। ये अगर आपको दो या तीन मार्क्स में पूछा जाए फोटोसिंथेसिस, तो ये केमिकल रिएक्शन लिखनी ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 6CO2, यहाँ से मैं हाइलाइटर ऑन कर देता हूँ, ओके, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स 6C6H12O6, वो क्या है, वो है ग्लूकोज और उसके बाद में ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पे मिलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उससे डबल वाटर, ठीक है, 6CO2 के साथ में 12H2O और क्लोरोफिल के अंदर में सनलाइट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में C6H12O6, और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और उसके साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ये आपकी NCERT में भी दी हुई है, ये इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है वो थोड़ा हम लोग देखें। तो दोस्तों ये एक सेक्शन दिया हुआ है, एक लीफ का सेक्शन, मतलब लीफ जो है वो ऐसे पतली सी पट्टी होती है, उसको काटेंगे और सामने से देखेंगे तो लिटरली हमें एक लाइन जैसा ही दिखेगा, सिर्फ एक लाइन, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखेंगे तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, मतलब ये जो है वो लीफ की थिकनेस इतनी होती है, ये आप देख रहे हो, हम देखेंगे लीफ को लेकर तो उसकी थिकनेस 1 mm भी हमें नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे तो कितना 5 to 7 cm जितना ठीक दिख रहा है, क्योंकि ये एनलार्ज इमेज है, माइक्रोस्कोपिक इमेज। ऊपर और नीचे एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, और उसके बीच में कुछ सेल है, ठीक है, जिसमें आपका रहेगा क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारी जगह रहेंगी, एयर स्पेस रहेगी, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे अंदर बाहर हो सके। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का ये सेक्शन है, ठीक है, तो इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर जो है रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, जिससे ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो दोस्तों ये हुए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर जो है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है, वो प्लांट को ज़मीन में से मिलता है, रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ जो है आसपास की एयर में से एब्जॉर्ब करती है। लेकिन लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, सो दोस्तों ये देखिए, ये प्लांट का एक यहाँ पे एक प्लांट दिखाया है, ये इसका लीफ है, इसको अगर हम लोग इसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें इस तरीके से, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये एलिप्टिकल शेप में, ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये जो है, ये है स्टोमेटा, जिसके अंदर जिसकी मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो सो ये है स्टोमेटा, ये फिगर आपको NCERT में ये वाला फिगर मिल जाएगा, ठीक है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, जिसके वजह से एयर जो है वो अंदर और बाहर जा सकती है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज किससे होता है, तो वो गार्ड सेल जो है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। गार्ड सेल जब स्वेल करते हैं तो ऐसे फूल जाते हैं और बीच में जगह हो जाती है, और गार्ड सेल जब श्रिंक करते हैं तो बीच में से जगह बंद हो जाती है और जो होल होता है वो बंद हो जाता है। और गार्ड सेल किसकी मदद से काम करते हैं, सो वो पानी को एब्जॉर्ब करके, वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल और श्रिंक होते हैं। सो दोस्तों ये आपका टॉपिक है स्टोमेटा, ठीक है। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखे, या फिर अगर पूछा जाए व्हाट इज स्टोमेटा, एक्सप्लेन स्टोमेटा, तो आप ये फिगर बना सकते हो और साथ में उसका आप कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो। दे आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब कि प्लांट की जो स्किन है उसको एपिडर्मिस बोलेंगे। दे आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एपिडर्मिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इट इज़ कंट्रोल्ड बाई गार्ड सेल, और गार्ड सेल इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ऑटोट्रॉप्स। अभी आता है हेटरोट्रॉप्स, ये है टाइगर, ये जैसे ही डियर को देखेगा उसके पीछे भागेगा और डियर को खा जाएगा, क्योंकि ये उसका खाना है। तो ये है हेटरोट्रॉप्स। अभी हेटरोट्रॉप्स
क्या होते हैं? द एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। जो एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर या दूसरी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, अभी हेटरोट्रॉप्स में भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, वन बाय वन हम लोग कैटेगरी डिस्कस करेंगे। तो ये है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब इसमें उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो क्या करते हैं, खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो खा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेड मोल्ड्स, फंगस की कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, ब्रेड के ऊपर ये जनरली मॉनसून सीजन में देखने को मिलते हैं। अगर ब्रेड बाहर रख दिया एक दिन के लिए, दूसरे दिन ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्या करेंगे, ब्रेड को बाहर ही ब्रेक डाउन करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें अंदर खा लेंगे। तो ये कैटेगरी है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, कि खाने को फूड को बाहर ब्रेक डाउन करके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिर में बाल में जब जू पड़ जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, अंदर हमारे सिर पे रहती है और खून जो है वो चूसती रहती है। मतलब इस तरीके के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसे चिपक जाते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, खून चूसते रहते हैं। सो ये कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे चिपक के रहता है और उसमें से उसका न्यूट्रिशन चूसता रहता है। तो ये है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद में नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छी चीज़ें वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो चीज़ काम की नहीं है वो वेस्ट में बाहर निकल जाती है, हम बॉडी से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अभी अमीबा जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल का पूरा जानवर एक ही सेल से बना हुआ है ये अमीबा, जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, उसका कोई भी शेप नहीं है, इररेगुलर शेप किसी भी शेप में वो देखने को मिल जाएगा। ये जो फिगर है ये आपको एनसीईआरटी में से मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आपको फिगर ड्रॉ करना है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। जैसे ही अमीबा फूड को देखता है वो अपने दो हाथ फैला करके उसको लपक लेता है। अभी कैसे लपकेगा, तो वो जो दो हाथ फैलाता है उन हाथ को बोलते हैं सूडोपोडिया। वो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, टेम्पररी वो अपने ऐसे हाथ को ऐसे फिंगर जैसे फैलाएगा और फूड को अपने अंदर ले लेगा, और इस टेम्पररी प्रोजेक्शन को बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, और फूड जो है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, उसके बाद में फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिलीज कर देगा। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यहाँ पे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, इट टेक्स इन द फूड बाय टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ठीक है, ट्रैप्स मतलब उसको कैप्चर कर लिया, ट्रैप्स द फूड इनसाइड द वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में उसने कन्वर्ट कर दिया और डिफ्यूजेस इनटू साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में उसने एब्जॉर्ब कर लिया। सो ये तीन प्रोसेस में हम लोग लिखेंगे अमीबा का न्यूट्रिशन। उसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। दोस्तों पार्टी करते हैं हम लोग, पिज़्ज़ा बर्गर कोको कोला सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद में क्या होता है, वो किसने सोचा, वो सोचा है क्या हमने? तो आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले कि जैसे कि हम फूड खाएंगे तो अंदर जाके क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे माउथ में सलाइवा आता है, वो कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है सलाइवा। जैसे कुछ खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा थूक आ जाती है, जिससे खाना अच्छे से हम उसको डिजॉल्व करके उसको निगल सके। तो ये सलाइवरी ग्लैंड में से आती है। उसके बाद में एसोफेगस, जो ट्यूब माउथ को जो स्टमक के साथ में कनेक्ट करती है जो ट्यूब, उसको बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, उसके बाद में स्टमक के पास में है लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, जहाँ से हम लोग खाना जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है खाना खाने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वहाँ से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों खाना खाना स्टार्ट होता है हमारे मुंह से, माउथ से। ये देखिए, इसने पूरा का पूरा बर्गर एक ही शॉट में निगल लिया।
तो क्या होता है, मुंह में हमारे जो दांत है, टीथ क्रशेस द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग, डिपेंड करता है ये 4 से 5 मार्क्स में अगर पूछा गया तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को लिखना है, या फिर स्पेसिफिक पूछ सकते कि एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन माउथ, या फिर एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक, या फिर एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं इंडिविजुअल, लेकिन अगर पूरा का पूरा पूछा तो आपको 4 या 5 मार्क्स में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं माउथ के अंदर क्या लिखेंगे। सो टीथ क्रशेस द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे 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 पार्टिकल्स में वो हमारे खाने को कन्वर्ट कर देता है, और जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एमलाइज। एमलाइज जो एंजाइम है वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर, स्टार्च जो होता है उसको सिंपल शुगर में वो ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद में एसोफेगस के थ्रू खाना जो है वो हमारा अंदर पहुंचता है स्टमक में। स्टमक के अंदर क्या होता है, HCL होता है। HCL इन द स्टमक क्रिएट एसिडिक मीडियम एंड किल बैक्टीरिया, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूसरे एंजाइम्स अपना काम शुरू करते हैं एसिडिक मीडियम में। दूसरे कौन से एंजाइम, तो पेप्सिन और लाइपेज होते हैं जिसका क्या काम है, ब्रेक डाउन फैट्स, फैट को कट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और मिल्क में से सॉलिड और लिक्विड पार्ट को वो अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये काम है पेप्सिन और लाइपेज का। उसके बाद में आता है लिवर। अभी लिवर क्या करता है, लिवर जो है वो एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है, हेल्प इन ब्रेकिंग लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, फैट के बड़े बड़े टुकड़े को, ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करने में ये बाइल जूस मदद करता है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का, ये है गॉल ब्लैडर। इसका क्या काम है, लिवर में से अगर एक्स्ट्रा बाइल जूस निकला है तो वो गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करके रखता है, कभी कभार ऐसे ज़रूरत पड़ जाए तो वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, लिवर का एक्स्ट्रा बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, सो नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, उसमें से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम के उसमें से जो एंजाइम होते हैं उसके नाम है ट्राइप्सिन और लाइपेस। ठीक है, वो क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ब्रेकिंग ऑफ फैट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में और फैट को ब्रेक करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद में खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स आकर के मिक्स होते हैं और डाइजेशन वगैरह प्रोसेस होता है, और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे द एंजाइम प्रेजेंट इन इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे पूरा खाना जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज, और फैट इंटू फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन है उसकी जो सरफेस होती है, इनर सरफेस, अंदर की जो सरफेस होती है, वहाँ पे इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ऐसी लाइनिंग होती है। क्यों होती है, ताकि अंदर एरिया जो है वो बढ़ाया जा सके, ताकि फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए। इट हैज़ मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, इसको विली बोलते हैं। ठीक है, इसको विली बोलते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। और यहाँ पे इसके पीछे आती है हमारी आर्टरीज और वेन्स, मतलब हमारी नसें इसके पीछे आती है। फूड एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाएगा, नस के अंदर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर चला जाएगा, जहाँ पे वो खून के साथ में, ब्लड के साथ में मिक्स हो जाएगा और पूरी बॉडी में उसको सप्लाई किया जाएगा। जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी प्रोटीन, विटामिन्स, ग्लूकोज, जो भी चीज़ें मिली, वो सारी की सारी बॉडी को ज़रूरत है, तो जाएगा तो हमारे स्टमक में, स्टमक में से इंटेस्टाइन में, फिर पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर के वो ब्लड में मिलेगा, और ब्लड उसको पूरी की पूरी बॉडी में लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से ये काम होता है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस हो गया, अभी जो बचा वो चीज़ है, वेस्ट चीज़ें बची है, तो वो क्या होगा, द अनएब्जॉर्ब फूड जिसका कुछ काम नहीं है, दैट मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेर मैक्सिमम वाटर इज एब्जॉर्ब, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो फूड, मतलब जो वेस्ट बचा है, वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा,
via NS, NS के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है डाइजेस्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी, और इसके साथ में यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन का, वो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें होती है और रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, मतलब रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना। तो सांस लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? खाना खाने से तो चलो हमें अंदर कुछ मिलता है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, फूड मिलेगा जिससे एनर्जी मिलेगी, तो सांस लेने की क्या ज़रूरत है? तो देखते हैं सांस लेने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो इंस्टेंटली हमें एनर्जी नहीं मिलती, खाना खाने के बाद में हम हर एक सेकंड सांस लेते हैं, मतलब खाना खाने से पहले भी लेते हैं और खाना खाते वक्त भी लेते हैं, लेकिन एनर्जी कैसे मिलती है? जब खाना जो है, फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी हमें हर एक सेकंड एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। हर एक सेकंड हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हर एक सेकंड हमें सांस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हर एक सेकंड हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और सारी अलग अलग प्रोसेस में वो एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना हमारी बॉडी में जाएगा, उसके बाद जब ऑक्सीजन जाएगा तो वो खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसके लिए रेस्पिरेशन जो है वो ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक होता है। कहाँ पे ब्रेक होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक होता है। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें देखेंगे रेस्पिरेशन में, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो अलग अलग तरीके की रेस्पिरेशन होगी। एरोबिक में क्या है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। और एनएरोबिक में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है और जो फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स जो है जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म मतलब बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक फॉलो करते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो फॉलो करते हैं। अभी ये जो प्रोसेस है जो हम लोगों ने देखी कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है, तो वो किस तरीके से ब्रेक होता है, ये जो फिगर है आपको एनसीईआरटी में से देखने को मिल जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो ब्रेक होकर के प्यूरोवेट में कन्वर्ट होता है। प्यूरोवेट में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे कि यीस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यीस्ट जो है वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद में कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है, ये कंडीशन कब आएगी, जब हमारे हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस वक्त क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मसल्स के अंदर ये रिएक्शन होती है, जिसमें प्यूरोवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं और हमें दर्द होता है, हमें पेन फील होता है मसल्स में। और जहाँ पे पूरे के पूरा ऑक्सीजन अगर मिल रहा है सफिशिएंट क्वांटिटी में, वहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो प्यूरोवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में स्प्लिट हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्प्लिट होगा और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो किस में होता है, स्टोमेटा में होता है, जो हमने आगे देखा फोटोसिंथेसिस में कि स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस पे होता है, जिसकी वजह से एयर अंदर बाहर जा सकती है, क्योंकि उसमें स्मॉल होल होता है, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है, जो इंश्योर करते हैं कि सभी अंदर एपिडर्मिस के अंदर जितने भी सेल है प्लांट के, उसको सभी सेल को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाए रेस्पिरेशन के लिए। तो वहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है, जो हमने वो सेक्शन वाले व्यू में उसमें देखा था। तो क्या होता है कि दिन में ड्यूरिंग डे
CO2 generated is used for photosynthesis, hence only O2 is released during day. दिन में भी respiration चलता है plant के अंदर, तो oxygen वो लोग लेते हैं और carbon dioxide release करते हैं, लेकिन दिन में photosynthesis process भी चल रही है. Photosynthesis process में carbon dioxide की ज़रूरत है, तो respiration से निकाला हुआ सारा का सारा carbon dioxide photosynthesis में use हो जाता है, और वहाँ से निकाला हुआ ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है. कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आता है, बाकी सारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है. और रात में CO2 इज़ रिलीज ड्यूरिंग नाइट. दोस्तों यहाँ पे O2 मिसिंग है, 2 लिखना मिसिंग है, CO लिखा हुआ है, लेकिन CO2 आएगा. CO2 इज़ रिलीज ड्यूरिंग नाइट. रात के वक्त फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल नहीं रहा होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं है, इसलिए रात के वक्त फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद है, तो सिर्फ रेस्पिरेशन चलेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा रात के वक्त. सो ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में. अभी देखते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस इन एक्वेटिक एनिमल्स. दोस्तों ये फिश बहुत ही अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है. इसमें क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल पानी में ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में, वो एयर के कंपैरिजन में कम है. एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, पानी में कम होता है, तो जो फिश है उसको रैपिडली जल्दी जल्दी से उसको रेस्पायर करना होगा, ताकि वो इनफ ऑक्सीजन पानी में से निकाल पाए. तो हम लोग देखते हैं फिश पॉड, अगर किसी के घर पे हो छोटा सा फिश टैंक या फिश पॉड, तो आप लोग देखोगे फिश जो है वो जल्दी से रैपिडली अपना मुँह जल्दी से खोल बंद करेगी, ताकि जल्दी से वो रेस्पायर कर सके. रेट ऑफ ब्रीडिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर, जल्दी से वो लोग करते हैं. क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लेस, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो हवा से कम होती है, इसलिए उनको ज़्यादा वाटर लेना पड़ता है, ज़्यादा जल्दी से उसको रेस्पायर करना पड़ता है. उसके बाद में हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा. सो दोस्तों हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू होता है हमारे नाक से. तो नाक से हम सांस लेते हैं, हवा जो है वो अंदर जाती है. एयर एंटर्स थ्रू नोज वेयर इट्स गेट्स फिल्टर्ड. हमारे नाक में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हवा को फिल्टर करती है. क्या चीज़ है? एक है हेयर, नाक के अंदर बाल होते हैं, और दूसरा है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ हमारे नाक के अंदर होता है, कई बार छींकने से बाहर भी आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूकस. वो क्या करता है, एयर के अंदर छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उसको वो स्टिक कर लेता है अपने ऊपर, वो स्टिक कर लेता है, वो पार्टिकल्स वहाँ म्यूकस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, और अंदर जो एयर जाती है वो मच मोर प्यूरिफाइड एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है. तो नोज के बाद में एयर कहाँ जाएगी, थ्रॉट अंदर जाएगी, थ्रॉट में से वो जाएगी ट्रेचिया में. ट्रेचिया मतलब ये ऐसे ब्रांच जो डिवाइड होती है उसको ट्रेचिया बोलते हैं. उसके बाद में वो जाती है ब्रोंकाई फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स विच फॉर्म द नेटवर्क ऑफ ट्यूब. ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब्स अलग अलग बन रही है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई. तो थ्रॉट में गई थ्रॉट में से ट्रेचिया में, ट्रेचिया में से ब्रोंकाई में गई, और ब्रोंकाई फाइनली टर्मिनेट इनटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली. ठीक है, ब्रोंकाई के एंडिंग पे, ब्रोंकाई के एंड पे होती है एल्वियोली, ऐसा बलून जैसे स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे हमारी नसें आएगी, मतलब आर्टरीज और वेन्स आएगी, जिसमें खून होगा, और खून में से एक्सचेंज होगा. खून जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे देगा, और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन है वो खून एब्जॉर्ब कर लेगा, और वापस जो है खून वो चला जाएगा, ब्लड जो है वो चला जाएगा हार्ट में, और प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है, इट प्रोवाइड सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस विद द ब्लड. दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि सारी चीज़ें आपको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ, और पॉइंटर्स वाइज आपको नोट्स बना के दूँ. ये सारे पॉइंटर वाइज मैंने नोट्स बनाए हैं, आप सभी चीज़ें पॉइंट वाइज अपने पेपर में आंसर में लिख सकते हो. उसके बाद में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट कैरी इट टू टिश्यू ऑल ओवर द बॉडी, सभी बॉडी में सभी जगह पे वो ऑक्सीजन को ले जाएगा. तो यहाँ पे कंप्लीट हुई हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग. तो ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोगों ने सांस ली तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में पहुंचाना है, खाना खाया तो न्यूट्रिशन जो है वो पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो वो काम कौन करता है, वो ब्लड करता है. लेकिन ब्लड अकेला नहीं कर सकता, उसके साथ में पूरी की पूरी सिस्टम लिंक है. तो ब्लड के साथ में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, हमारी जो नसें हैं आर्टरीज और वेन्स,
वो भी जरूरी है, और हार्ट जो कंटिन्यूस उसको पंप करता रहता है, ब्लड को पूरी बॉडी में घुमाता रहता है, एक पंप का काम करता है, वो है हार्ट। ये तीनों चीज़ें मिल करके पूरे हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाती है। तो ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होता है, RBC रेड ब्लड कॉर्पसल, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें मिल करके बनाता है ब्लड। हम ये इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। RBC में जनरली हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे ले जाता है। WBC एक तरीके से इम्यून सिस्टम है, फाइट करती है अगेंस्ट फॉरेन आइटम्स, मतलब अगर बाहर की कुछ ऐसी चीज़ हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गई जो काम की नहीं है तो उसको मारने के लिए WBC काम करते हैं। प्लेटलेट्स अगर कहीं पे कट हो गया, ठीक है, लीकेज हो गया तो वहाँ जाकर के प्लेटलेट्स जो है वो लीकेज को क्लॉट कर देते हैं, वो लीक को बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं ताकि ब्लड जो है वो बाहर ना जा सके। और प्लाज्मा जो है वो एक मैट्रिक्स का काम करता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिजॉल्व होती है। तो अभी हम लोग देखें वन बाय वन। सो ये था हमारा ब्लड, उसके बाद में आता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसमें है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट में से वो ब्लड को ले जाएगी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को घुमाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आर्टरीज में होता है क्योंकि हार्ट में से सीधा वो ब्लड लेकर के निकलती है, तो इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसकी जो वॉल है वो ठीक और इलास्टिक होती है क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर बैर करना रहता है, ठीक है। उसके बाद में है हमारी कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो एंड होती है छोटी छोटी कैपिलरीज में, जहाँ पे मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन का, मतलब कुछ भी मटेरियल देना है या फिर लेना है तो वो काम होता है कैपिलरीज में, क्योंकि कैपिलरीज जो है वो बहुत ही स्मॉल छोटी वेसल होती है, उसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है, सिंगल सेल जितनी ये थिक होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कुछ भी मटेरियल एक्सचेंज होता है वो इसी में होगा, कैपिलरीज में होता है, बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टेक प्लेस थ्रू इट, ठीक है। उसके बाद में कैपिलरीज कहाँ जाएगी, कैपिलरीज उसके बाद में ब्लड को लेकर के जाएगी वेन्स में। तो वेन्स क्या करती है, इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रिंग बैक टू हार्ट, सभी ऑर्गन में से ब्लड कलेक्ट करके वापस वो हार्ट के अंदर लेकर जाती है वेन्स। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, वो आर्टरीज में गया ब्लड पूरा घूम घूम कर वापस आया तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका, इसकी जो वॉल है वो ठीक नहीं होती है, मोटी नहीं होती, पतली होती है, लेकिन इसमें कुछ वाल्व्स लगे होते हैं। ये वाल्व्स क्या काम करते हैं, ब्लड को रिवर्स डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं ताकि ब्लड जो है वो फॉरवर्ड आगे ही जाए। अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश की तो वाल्व्स बंद हो जाते हैं और ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता। तो इस तरीके के वाल्व्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं वेन्स में। उसके बाद में एक और चीज़ होती है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा बट प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। लिम्फ प्लाज्मा के जैसा सिमिलर होता है लेकिन वो कलरलेस होता है और उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है, कम प्रोटीन होते हैं। इसका काम क्या है, सो इट ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस जो सेल होते हैं उसके बीच में जितनी भी स्पेस होती है उसमें कुछ फ्लूइड जमा हो जाता है। सेल जब अपने वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं तो वो फ्लूइड वहाँ पे जमा हो जाता है, वो सारे ये लिम्फ के फॉर्म में जमा होते हैं और वो सारे लिम्फ मिल करके लिम्फैटिक कैपिलरीज में चले जाते हैं और लिम्फैटिक कैपिलरीज थ्रू वो चले जाते हैं वेन्स में, जहाँ पे वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो ये काम है लिम्फ का। उसके बाद में हम लोग देखते हैं हार्ट। दोस्तों हार्ट, जब हम लोग बात करें हार्ट या फिर हार्ट का कुछ इमेज ड्रॉ करना या फिर इमोजी हमारे मोबाइल में जो हार्ट का आता है वो कुछ इस शेप का आता है हार्ट, लेकिन एक्चुअल में हार्ट जो है वो इस शेप का नहीं है। एक्चुअल हमारा जो हार्ट है वो इस तरीके का है। अगर हम इसको डिटेल में देखें, इसका सेक्शन कट करें कि हार्ट अंदर से कैसा दिखता है, तो दोस्तों हार्ट जो है वो अंदर से इस तरीके से दिखेगा। इसके चार अलग अलग चैम्बर्स आते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जब बॉडी में से ब्लड आता है हार्ट में तो वो सबसे पहले आता है राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम में से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में से उसके बाद में वो निकल करके जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑक्सीजन लेकर के वापस जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में से वो वापस चला जाएगा बॉडी के अंदर में और बॉडी में से वापस घूम के कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में। सो इस तरीके से ये जो है सर्कल चलता रहता है। यहाँ पे ब्लड जो है पूरे साइकिल में हार्ट में दो बार आएगा, पहले बॉडी में से हार्ट में आएगा, हार्ट में से लंग्स में जाएगा, लंग्स में से वापस हार्ट में और हार्ट में से वापस बॉडी में। तो एक सर्कल कंप्लीट होने में
ब्लड जो है वो दो बार हार्ट में आया, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड जो है हार्ट में दो बार आता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। ये ह्यूमन बींग, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेटरी है। हम कुछ दूसरे एनिमल्स में देखें तो फिश में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये इसका हार्ट सिर्फ एक ही आर्टरी में, एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। वेंट्रिकल में से जाएगा गिल्स में, गिल्स में वो ऑक्सीजन लेकर के जाएगा बॉडी में, बॉडी में से वापस आएगा आर्टरी में। मतलब एक सर्कल में, एक चक्कर में हार्ट में एक ही बार ब्लड आया, तो ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। ये सिस्टम है फिश के अंदर में। उसके अलावा हम लोग देखें कुछ एम्फीबियंस, फ्रॉग के अंदर भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, लेकिन उसका जो हार्ट है उसमें सिर्फ तीन ही चैम्बर्स होते हैं। वहाँ पे वेंट्रिकल एक ही मिलेगा और वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा, जिससे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन एम्फीबियंस को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसको उस सिस्टम में ये चीज़ चलेगी, लेकिन हमारे अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया तो हमारी सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे हार्ट में जो है वो चार चैम्बर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी में से ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम में से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में से यहाँ से निकल करके वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में से लेफ्ट आर्ट्रियम में, उसके बाद में वेंट्रिकल में, और यहाँ से निकल करके वो बॉडी में जाएगा। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन नहीं है वो राइट साइड में रहेगा, और जिसके पास में ऑक्सीजन है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, लेकिन कुछ ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिस्टम में इसकी एफिशिएंसी कुछ कम हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग देखें, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग कंप्लीट हुआ, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ों से होता है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था टिश्यू, उसमें हम लोगों ने देखा था जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इसको वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। तो ये काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो वाटर लॉस इन ट्रांसपीरेशन इज सप्लाइड बैक बाय जाइलम। प्लांट्स में एक ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है जिसमें से लीफ में से पानी बाहर वेपर बन के उड़ जाता है, तो वो पानी वापस लीफ में कौन लाता है, वो लाता है जाइलम, ठीक है। इट कैरीज वाटर ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पानी को ले जाता है, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। जाइलम का काम क्या है, वो पानी को लेकर जाएगा, लेकिन वो अपवर्ड, नीचे से ऊपर उसको लेकर के जाएगा, ठीक है। और दूसरी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद में जो खाना प्लांट्स ने बनाया, ठीक है, जो भी चीज़ें बनाई वो प्लांट्स के में सभी को ऊपर नीचे ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो करेगा फ्लोएम, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड बाय फ्लोएम, इट टेक्स फूड पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन। वो ऊपर नीचे आगे पीछे सभी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। जाइलम जो है वो सिर्फ नीचे से लेकर ऊपर लेकर जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पानी को, लेकिन फ्लोएम जो है वो दूसरे सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को ऊपर नीचे आगे पीछे सभी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। सो इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी प्लांट्स में, ये आप दो पार्ट्स में लिख सकते हो, एक जाइलम जिसमें दो पॉइंट्स है, और फ्लोएम जिसमें तीन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में, तो इस तरीके का आप फिगर बना करके एक्सप्लेन कर दो जाइलम और फ्लोएम, तो आपका अगर तीन से चार मार्क्स में है तो आप ये फिगर बना करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा एक्सक्रीशन, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का उसको बाहर निकालना। तो एक्सक्रीशन का जनरल डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी में से बाहर निकालना है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कौन सी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं वो हम लोग देखें, तो उसमें पेयर ऑफ किडनी, दो किडनीज हमारे पास में होती है, और पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर मतलब एक पाइप होता है जो किडनी के साथ में कनेक्टेड होता है। दो पाइप है तो दो किडनी है तो दो पाइप हमारे पास में होंगे, और एक यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन जो है वो जमा होती है, कलेक्ट होती है। अब ये प्रोसेस को हम लोग देखते हैं तो कैसे होता है, काम स्टार्ट होता है किडनी के अंदर। नाइट्रोजनस वेस्ट, जो वेस्ट होता है नाइट्रोजनस, वो सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें किडनी के अंदर रिमूव हो जाती है। लेकिन वो कौन रिमूव करता है, तो किडनी के अंदर कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ईच किडनी हैव लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरिंग यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो फिल्टर करता है। ये जो है नेफ्रॉन का फिगर आप देख सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी में उसका फिगर सिंपल फॉर्म में दिया है, वहां से आप उसको फिगर ड्रॉ करके उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है।
ये जो है नेफ्रॉन है, यहाँ पे ये आप देख रहे हो मतलब ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये बॉमेंस कैप्सूल है। सो जितनी भी आर्टरीज वेन्स जो है वो इसके अंदर जाएगी, नसें जो हैं वो इसके अंदर जाएगी और उसमें से ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा और प्योर ब्लड वापस बाहर निकलेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट निकल के कहाँ जमा होगा, वेस्ट प्रोडक्ट निकल के ये जो पाइप देख रहे हो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल करके इस पाइप में जमा होगा लिक्विड फॉर्म में, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, वाटर को वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मैक्सिमम कुछ वाटर उसमें से रहेगा ताकि वो डिजॉल्व फॉर्म में रहे, और यहाँ से वो जाएगा कहाँ जाएगा, यहाँ से वो किडनी में से पूरा निकल करके यूरेटर में जाएगा, दोनों पाइप में जाएगा और वहाँ से वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के यूरिन जो है वो कलेक्ट होगा। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल एक्सपांडिंग प्रेशर लीड्स, वो ब्लैडर में स्टोर होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक कि हमें बहुत ज़ोर से लगेगा नहीं कि अभी बाथरूम जाना ही पड़ेगा, तब तक वो स्टोर होगा, फिर हम जाकर के बाथरूम में जाकर के पूरा का पूरा उसको रिलीज़ कर देंगे, बॉडी के बाहर उसको निकाल देंगे। तो ये हुआ हमारा एक्सक्रीटरी प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। अभी हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ही एक्सक्रीटरी प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो प्लांट्स में सिंपल चार स्टेप है और प्लांट्स का ख़त्म सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। प्लांट्स जो है वो पानी जो है वो कैसे बाहर निकालता है, गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, मतलब उसके लीफ है, लीफ में जो स्टोमेटा हमने देखा स्मॉल होल्स वो खुल बंद करते हैं तो उसमें से वेपर के फॉर्म में पानी बाहर हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद में वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को डेड लीफ के अंदर स्टोर कर देता है, ताकि डेड लीफ में क्या कुछ एक्टिविटी होगी नहीं, तो वेस्ट प्रोडक्ट को उसको अंदर स्टोर करता रहता है और कुछ टाइम के बाद में डेड लीफ जो है वो पेड़ पे से गिर जाता है और उसका वेस्ट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट जो है वो अपने अंदर ऐसे रेजिन्स और गम के फॉर्म में स्टोर करता है, बाग में से प्लांट जो ट्री है उसके बाग में से स्टेम में से कई बार ऐसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको हम गम बोलते हैं। ठीक है, गम और रेजिन ये भी क्या है, प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस फॉर्म में स्टोर रहते हैं। उसके बाद में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट जो है वो रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर बाहर वापस निकाल देता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर कंप्लीट होती है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने चारों के चार प्रोसेस डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की, न्यूट्रिशन, उसके बाद में रेस्पिरेशन, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद में एक्सक्रीशन। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में पॉइंटर के साथ में पॉइंट वाइज सारी की सारी चीज़ें कवर अप कर ली है। इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनरी मैं आपको लाने वाला हूँ। अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो प्रोबेबल एग्जाम में आ सकते हैं डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। कुछ मीडियम डिफिकल्ट है और कुछ हार्ड क्वेश्चंस है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।